मध्य प्रदेश के धार जिले से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही यात्रियों की बस इंदौर खरगोन के बीच सेतु पुलिया की रेलिंग तोड़कर उफनती नर्मदा नदी में जा गिरी। हादसा करीब सुबह 10 बजे हुआ था। टू लेन सेतु पुल पर ओवरटेक के दौरान बस असंतुलित हो गई और बस पुलिया की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। बस में महिलाओं और बच्चों सहित करीब 40 यात्री सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने 13 शव निकाले, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे में उदयपुर जिले की ऋषभ देव के भगोर गांव की रुक्मणी जोशी और सलुम्ब्र की जोशी मोहल्ला निवासी जगन्नाथ जोशी की मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया। बस में सवार सभी लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं इस हादसे को लेकर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। मेरा नाम दीपेंद्र मेहता है, गांव भगोर का ही रहने वाला हूं। जो हादसा भी हुआ है, वो जो आंटी थे रुक्मणी देवी, वो हमारे फूफा जी के साथ ही महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र में उनकी बड़ी बेटी रहती है, जिनके वहाँ रहने के लिए गए थे। तो ऐसे में हमें सूचना आज सुबह 11-12 बजे के करीब मिली कि जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें फोन के माध्यम से ये क्लियर हो गया था कि हमारे फूफा जी है, उनकी तो डेथ हो गई है। उनकी बॉडी भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता दी गई थी, जिनकी शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन रुक्मणी बाई का कोई पता नहीं लगा था। तो हमने धार थाने में फ़ोन किया, वहाँ से उन्होंने एक व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजा कि एक महिला कोई है जिनका एक पर्स मिला है, जिनकी ज्वेलरी वगैरह कल्याणपुर से खरीदी थी, वहाँ उसके ऊपर मोबाइल नंबर वगैरह कुछ लिखे हुए थे। उस माध्यम से हमने थाने में संपर्क किया और पता लगा कि हमारी काकी ही है। ऐसे में हमने बॉडी की शिनाख्त कर दी और उसके बाद हमारे जो परिजन वहाँ धार के पास रह रहे थे वो भी मौके पे पहुँच गए, और हमारे यहाँ से भी इनके लड़के वगैरह जो हैं वहाँ गए उनके पास बॉडी को लेने वगैरह। और ये अभी भी हमने घर पे इनके जो हस्बैंड वगैरह रहते अकेले रहते, अभी वो अकेले ही है, उनको इस बारे में बताया नहीं है। गाँव में पूरा गम का माहौल है,